हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम जीएसटी का जो ट्रेडिंग चेन है, किस तरह से कहां पे पेमेंट हो रहा है, कौन किसको पे करता है, कितना पे करता है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। ट्रेडिंग चेन, ठीक है, ये ट्रेडिंग चेन क्या होता है? ट्रेडिंग देखो, एक जब कोई भी प्रोडक्ट उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है वो किसके लिए होता है? एक्चुअली कंज्यूमर के लिए होता है, लेकिन कंज्यूमर से पहले वो बहुत जगह में घूम फिर के आता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर से वो फिर जाएगा होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, तो फिर कंज्यूमर के पास आता है। ठीक है, तो जब भी वो प्रोडक्ट मूव करेगा, लेट इट बी स्टेट टू स्टेट हो या फिर इंटर स्टेट हो, कहीं ना कहीं जीएसटी का पेमेंट होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अभी हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल लेके कि अगर एक प्रोडक्ट एक कंज्यूमर के पास आता है, कहां पे कितना सीजीएसटी आईजीएसटी दिया जाता है, या फिर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कहां पे किस तरह से पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट एक सिनेरियो अभी डिस्कस करेंगे। सपोज मैन्युफैक्चरर ऑफ अ वॉच हैज सोल्ड वन वॉच फॉर ₹200 इंक्लूडिंग प्रॉफिट टू द होलसेलर। होलसेलर सोल्ड दैट वॉच फॉर ₹300 टू द रिटेलर। Retailer sold it to the customer for ₹400. Rate of GST charged at every stage is 12%. So let us now discuss how each trader pays GST and takes his input tax credit at every stage of transaction. Okay? Students, यहाँ पे देखो, जो हमारा product क्या है, एक watch है, उसको manufacturer ने wholesaler को बेचा ₹200 विथ प्रॉफिट। ठीक है, मतलब इंक्लूडेड है, ये प्रॉफिट मिला के 200 ओ उसका हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली जो होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है वो ₹300 है, वो उसका सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस 2 है सपोज, इसको सेलिंग प्राइस 1 रखते हैं। फिर रिटेलर ने कस्टमर को बेचा ₹400 में, ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस 3 है। ओके, इतना अभी ध्यान रखो कि किस तरह से पेमेंट हुआ है। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 200 में बेचा, होलसेलर ने रिटेल को 300 में, और रिटेल ने कस्टमर को 400 में बेच दिया। जीएसटी परसेंट है 12%। इसका मतलब जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो वो जीएसटी कैसे होगा, मतलब होलसेलर जब परचेज करेगा, होलसेलर पेमेंट करेगा, उस बिल में क्या होगा, वो ₹200 प्लस जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो कितना करेगा, 12% ऑफ 200, दैट इज 12/100 इंटू 200, तो ये हो जाता है ₹24। ठीक है, तो ये ₹24 यहां पे कर रहा है ₹200 का कोई भी एक प्रोडक्ट, यहां पे तो वॉच है। ठीक है, तो 200 प्लस 24 वो पे करेगा, ये जीएसटी है हमारा। ठीक है, जीएसटी हो गया, तो ये अभी आ गया होलसेलर के पास। होलसेलर ने रिटेलर को बेचा ₹300 में। ठीक है, तो 300 जब होगा तो ये अभी क्या होगा, ये भी जीएसटी पे करेगा। कौन? रिटेलर पे करेगा। अभी बिल जब पे करेगा, 300 उसका सेलिंग प्राइस है प्लस 12% जीएसटी, तो क्या हो जाएगा, 12/100 इंटू 300, दैट इज ₹36। तो ये जीएसटी कितना होगा इसका, जीएसटी ₹36। ठीक है, ₹36 जीएसटी पे करेगा ये। ओके, तो देखो, जीएसटी रिटेलर जब बिल पे करेगा होलसेलर को, ₹300 सेलिंग प्राइस के साथ ₹36 जीएसटी पे करेगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं कस्टमर के पास। रिटेलर ने क्या किया, कस्टमर को ₹400 में बेच दिया। अगेन कस्टमर बिल पे करेगा, कैसे करेगा, 400 सेलिंग प्राइस उसके ऊपर जीएसटी, अगेन जीएसटी रेट तो फिक्स है, इंटू 400। ठीक है, तो ये ₹48 जीएसटी, ₹48 जीएसटी पे करेगा। ठीक है, ये हो गया जीएसटी हर जगह। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये जो जीएसटी पेमेंट हुआ है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि जीएसटी 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो देखो, जब फाइनल सेलिंग होता है कस्टमर के पास, यहां पे 48
रुपीस पेमेंट किया है किसने, कस्टमर ने, लेकिन ये जमा कितना करेगा, कौन जमा करेगा, ये जीएसटी जमा करेगा जो रिटेलर है, ठीक है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिटेलर का हुआ है तो वो पे करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, लेकिन करेगा कितना, क्योंकि ऑलरेडी उसने तो 36 रुपीस यहां पे दिया हुआ है किसको, होलसेलर को, तो वो क्या करेगा, रुपीस 48 माइनस रुपीस 36 जमा करेगा, मतलब रुपीस 12 इतना जमा करेगा वो किसके पास, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो मतलब ये हो गया हमारा रिटेलर, ये रुपीस 6 करेगा इसको और यहां पे भी रुपीस 6 पे करेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 12 दोनों को हाफ हाफ पे करेगा। अभी चलते हैं होलसेलर के पास, अभी होलसेलर को देख लो, होलसेलर क्या करेगा, देखो होलसेलर के पास क्या हो रहा है, होलसेलर रिटेलर से 36 रुपीस जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, लेकिन वो जमा कितना करेगा, वो जमा करेगा जो उसने पहले दिया हुआ है उसको माइनस करके, क्योंकि जब उसने मैन्युफैक्चरर को बिल पे किया उसने रुपीस 24 जीएसटी पे किया हुआ है, तो यहां पे जो 36 मिला वो कितना जमा करेगा, रुपीस 36 माइनस रुपीस 24, ठीक है, रुपीस 36 माइनस रुपीस 24 कर देगा तो ये हो जाएगा रुपीस 12, है ना, अगेन दोनों के पास हाफ हाफ जमा करेगा, सीजीएसटी में हाफ और एसजीएसटी में हाफ, हो गया। अभी मैन्युफैक्चरर का है, मैन्युफैक्चरर 24 रुपीस जीएसटी कलेक्ट किया है उसको वो जमा करेगा, मैन्युफैक्चरर का कोई लेना देना नहीं है, मैन्युफैक्चरर को पूरा करना है, मैन्युफैक्चरर पूरा करेगा लेकिन वो भी हाफ हाफ करेगा क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को पे करेगा, तो इसको करेगा 12 और यहां पे मैन्युफैक्चरर एसजीएसटी में रुपीस 12 जमा करेगा, ठीक है। तो अभी देखो टोटल कितना हो रहा है, यहां पे ये टोटल करेंगे तो रुपीस 24 जमा होगा सीजीएसटी में, रुपीस 24 जमा होगा एसजीएसटी में, टोटल कितना हुआ, रुपीस 24 प्लस रुपीस 24 दैट इज रुपीस 48 जो कि कस्टमर ने पे किया था फाइनली, ठीक है, तो वो 48 रुपीस ही गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन हर जगह में वो डिवाइड होते हुए जाएगा, ठीक है। इस तरह से जीएसटी एक चेन के जरिए गवर्नमेंट के पास फाइनली पहुंच जाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं जीएसटी ट्रेडिंग चेन, ओके। तो स्टूडेंट्स जैसे कि अभी हमने देखा हमारा रुपीज 24 मैन्युफैक्चर जो जमा करता है ये रुपीज 12 एंड रुपीज 12 जमा किया, रुपीज 12 जब होलसेलर ने जमा किया उसने रुपीज 6 और रुपीज 6 जमा किया सीजीएसटी और एसजीएसटी में, और जो रिटेलर है वो भी रुपीज 12 जमा किया, वो रुपीज 6 एंड रुपीज 6 जमा किया सीजीएसटी और एसजीएसटी में, तो टोटल रुपीज 24 प्लस रुपीज 24 होके हमारा रुपीज 48 जमा हुआ। तो एक चीज देखो, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी क्योंकि ये जो है विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, ये इंट्रा स्टेट जीएसटी है, इसलिए दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड किया गया, ओके। यहां पे एक चीज हमको और जानने की जरूरत है कि जो ये बिजनेस हो रहा है उसके कुछ नेम्स हैं। तो पहला है बी टू बी, मतलब क्या ये बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, और एक है बी टू सी, ये है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहां पे देखो जब मैन्युफैक्चर से होलसेलर को आया वो बिजनेस टू बिजनेस हुआ, होलसेलर से रिटेलर को आया वो भी बिजनेस टू बिजनेस, लास्ट में एंड पार्ट में कौन है कंज्यूमर, जो रिटेलर से कंज्यूमर के पास आया वो हो जाएगा तुम्हारा बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। अभी और एक चीज देखते हैं, यहां पे क्योंकि हर जगह में हमारा जीएसटी का ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा, किसका कितना होगा, ठीक है, फाइनली जो मैन्युफैक्चरर पे कर रहा है वो 24 रुपीस दे रहा है, लेकिन ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कैसे कैलकुलेट होगा। सपोज मैं रिटेलर के पास जाऊं, तो देखो रिटेलर के पास अगर मैं जाऊं, रिटेलर को कलेक्शन कितना हुआ है जीएसटी रुपीस 48, लेकिन उसने ऑलरेडी जब बिल पे किया था मैन्युफैक्चरर, लेकिन उसने जब होलसेलर को बिल पे किया था उसने रुपीस 36 ऑलरेडी पे किया हुआ है,
है ना, तो ये जो रुपीज 36 है वही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो टैक्स उसने पे किया हुआ है, वो थ्रू होलसेलर मैन्युफैक्चरर हो गया, वो चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो दोबारा पे नहीं करना है, इसलिए वो क्या करता है, इसको माइनस करके रुपीज जो 12 है उसको टू पार्ट्स में रुपीज 6 और रुपीज 6 करके सीजीएसटी और एसजीएसटी में जमा करता है। सेम चीज होता है क्या होलसेलर के पास, मतलब रिटेलर जब बिल पे कर रहा है होलसेलर को, वो जीएसटी पे कर रहा है रुपीज 36, तो वो क्या करेगा, वो 24 दोबारा पे नहीं करेगा, वो माइनस करेगा रुपीज 12 ही जमा करेगा, ठीक है, रुपीज 12 को वो टू पार्ट्स में जमा कर देगा, ठीक है। जब मैं होलसेलर के पास जाऊं, उसने 36 रुपीज जीएसटी रिसीव किया किससे, रिटेलर से, तो क्या होगा, और उसने जमा कितना किया है, उसने मैन्युफैक्चरर को रुपीज 24 जमा किया है, देखो तो 36 उसने रिसीव किया है और 24 जमा किया है, तो ये रुपीज 12 हो जाएगा उसका जीएसटी, वो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी को पे करेगा, लेकिन ये रुपीज 24 क्या हो जाएगा, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जमा कर चुका है, भले ही उसने रिसीव किया है रुपीज 36 जमा नहीं करेगा गवर्नमेंट के पास, वो करेगा रुपीज 12, क्योंकि ये 24 रुपीज ऑलरेडी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स, आज हमने जीएसटी का ट्रेडिंग चेन के बारे में डिस्कस किया, आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं वीडियो को दोबारा वॉच करो, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।